Good afternoon, dear students. In last few classes, you have learned that in chemistry, since chemicals are very small, so we need a special method for counting that is called as one mole. The mole is nothing like but just a method to count big numbers like bananas. If 12, we call them as one dozen. Similarly, mole, if 6.02 × 10⁻², anything is that many number, we call that as a one mole. So it becomes very convenient. ये बहुत आसान हो जाता है बच्चों के हम बड़े numbers को जो है वो mole में express करें, और chemicals चूँकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए उनको count करने के लिए हम mole का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही एक मोल सब्सटेंस का, वन मोल सब्सटेंस का जब हम मास एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका मोलर मास कहलाता है. जैसे बच्चों वाटर का केस अगर हम लें तो वाटर में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. तो अगर हमको ये पता हो कि हाइड्रोजन का मास 1.008 है और ऑक्सीजन का मास 16 और अप्रॉक्सीमेटली है, और इसको हम कैलकुलेट करें तो 18.16 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाता है. याद रखिएगा बच्चों कि एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास कहलाता है, और इसका यूनिट जो है हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं. लास्ट फ्यू क्लासेस में भी जो है हमने ट्राई किया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मोलर मास निकालना है तो कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, सो 2 × 16 एंड दैट कम्स आउट टू बी 44 एम. राइट, अब ये तो हो गया पीछे का क्लास, यानी कि हमें मालूम है कि मोल क्या है, एक केमिकल काउंटिंग यूनिट है, और मोलर मास क्या है, एक मोल सब्सटेंस का जो ग्राम में मास है उसको हम मोलर मास कहते हैं, और इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है. आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द गिवन केमिकल कंपाउंड. राइट, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे बच्चों, CH4 क्या होता है, मीथेन. मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं. अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो 12 तो हो गया कार्बन का मास, और 4 × 1 अप्रॉक्सीमेटली हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं ले रहे हैं अभी, ये 16 ग्राम पर मोल ये हमारा कार्बन का मीथेन का मोलर मास हो गया, यानी वन मोल मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल हो गया. अगर इसमें हमको कोई कहता है कि आप कार्बन का परसेंटेज निकाल के बताइए कि एक मीथेन में कार्बन का परसेंटेज क्या है, तो हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज CH4 इंटू 100. यानी यहाँ पे हो गया आपका मास ऑफ कार्बन, जैसा हमने कैलकुलेट किया 12 है, मोलर मास ऑफ मीथेन हो गया आपका 16 ग्राम पर मोल इंटू 100. तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, और 4 से 100 कैंसिल किया 25, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 × 25 इज इक्वल टू 75%. अब यहाँ पे हम चाहें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, या हमें मालूम है चूँकि दो ही एलिमेंट हैं और एक 75% है, तो दूसरा अगर हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा आपका 100 − 75 = 25%. हम एक कॉमन फॉर्मूला बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज
निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी केस में जो है अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, मैं उसको अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18.02 ग्राम पर मोल। अब एक मोल का है तो इसलिए ग्राम पर मोल लिख रहे हैं यहाँ पे। H2O में हाइड्रोजन 1.008 × 2 है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16.00 ग्राम पर मोल है, यानी कि 18.02 वाटर में हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी आएगा 2.016 आएगा और ऑक्सीजन का 16.00 आएगा। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का क्वांटिटी कितना है वाटर में, 1.008 × 2 यानी 2.016 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर विच इज 18.02 टाइम्स 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है आपका 11.18%, राइट। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मास है 16 और वाटर का जो मॉलिक्यूल का मोलर मास है वो 18.02 है इनटू टाइम्स 100। सो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 88.79%। अगर दो एलिमेंट होते हैं जैसा मैंने पहले बताया तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के बजाय 100 में से 11.18 भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस तरीके से हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, राइट। अब ये वीडियो आप पॉज कर दीजिए बच्चों, मैं एक वर्कशीट दे रहा हूँ और उस वर्कशीट के आप सारे के सारे जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो आपको निकालने हैं।